ओके वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जो मैथ्स में प्राइम नंबर्स की टेबल होती है, हम वो देखेंगे कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100। उसके लिए हमें एक टेबल देखनी होगी। इस टेबल को देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 1 से। तो क्या 1 एक प्राइम नंबर है? नहीं, 1 इज़ अ यूनिक नंबर। आप प्लीज़ या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। तो जो 1 है, 1 इज़ अ यूनिक नंबर, वो 1 एक यूनिक नंबर है। तो 1 क्या है? एक यूनिक नंबर है। इसलिए 1 ना ही एक प्राइम नंबर है, ना ही एक कंपोजिट नंबर है। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर जो होते हैं, वो नंबर जो कि किसी की टेबल में नहीं आते हों, जिनके फैक्टर या तो सिर्फ 1 हो और या फिर नंबर इटसेल्फ हो, राइट? वो प्राइम नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 1 हो और 1 और नंबर सेल्फ के अलावा भी उनके फैक्टर हों, उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सो दे आर नोन एज तो अब हमने जान लिया कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस टेबल को देखना, और फिर हम इस टेबल में देखेंगे दैट हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आता है 1 काउंटिंग में, एज यू नो सबसे पहले 1 आता है। अब ये जो 1 है, ये जो 1 है क्या ये 1 एक प्राइम नंबर है? नहीं, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 है एक यूनिक नंबर। 1 एक यूनिक नंबर है, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। ये ना ही एक कंपोजिट नंबर है और ना ही एक प्राइम नंबर है, इट इज़ अ यूनिक नंबर। अब बात आती है 2 की। तो क्या 2 एक प्राइम नंबर है? हाँ, 2 इज़ अ इवन प्राइम नंबर। 2 इज़ अ इवन प्राइम नंबर। 2 एक इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 जो है, 2 किसी की टेबल में नहीं आता, और 2 जो है उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 है और एक नंबर इटसेल्फ है। इसलिए 2 इज़ अ इवन प्राइम नंबर। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? 2 इज़ अ इवन प्राइम नंबर। 2 एक इवन प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर में गिना जाता है। अब क्या आता है? अब आता है 3। तो हाँ, 3 भी एक प्राइम नंबर है। 3 इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि जो 3 है, थ्री के फैक्टर के, देखिए आप कितने फैक्टर है, 3 किन किन की टेबल में आता है देखिए। तो 3 एक तो 1 की टेबल में आता है और एक 3 की टेबल में आता है। तो जैसे कि आपको पता है, वो नंबर्स जिनका फैक्टर या तो 1 हो और एक नंबर इटसेल्फ हो, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। इसलिए 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है। 3 एक प्राइम नंबर है, 3 एक कंपोजिट नंबर नहीं है। ओके, सो
वन एक यूनिक नंबर है, टू एक प्राइम नंबर, टू एक इवन प्राइम नंबर है, और थ्री जो है वो एक प्राइम नंबर है। अब फोर जो है क्या वो प्राइम नंबर है? नहीं, फोर एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि फोर जो है वो टू की टेबल में आता है। अगर आप टू इंटू टू करोगे तो आपके पास आंसर आएगा फोर, टू टू ज़ा फोर, इट मीन्स जो टू है इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। टू एक प्राइम, सॉरी फोर एक प्राइम नंबर नहीं है, टू तो एक प्राइम नंबर है, फोर एक प्राइम नंबर नहीं है, फोर एक कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि वो टू की टेबल में आता है। अब फाइव, फाइव भी एक प्राइम नंबर है, फाइव एक प्राइम नंबर है क्योंकि फाइव किसी की टेबल में नहीं आता, सो फाइव इज अ प्राइम नंबर। हम वी आर गोइंग टू जस्ट टेक दो प्राइम नंबर, तो वन एक यूनिक है, थ्री एक प्राइम है, टू एक प्राइम है, फाइव भी एक प्राइम है। अब सिक्स जो है क्या वो प्राइम है? नहीं, सिक्स एक प्राइम नहीं है क्योंकि सिक्स टेबल में आता है। किसके टेबल में आता है? टू थ्री या सिक्स अगर आप करेंगे तो आपके पास सिक्स आंसर आएगा, और सिक्स एक इवन नंबर है, और जो सिक्स है वो प्राइम नंबर नहीं है, वो एक कंपोजिट नंबर है, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। अब जो फाइव, अब जो सेवन है, क्या ये सेवन प्राइम नंबर है? हाँ, ये सेवन प्राइम नंबर है क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो सेवन है, आप फैक्टर्स के देखिए, सेवन का फैक्टर क्या है? सेवन किन किन की टेबल में आता है? एक तो वन की टेबल में आता है और सेवन की टेबल में आता है, इसलिए जो सेवन है इट इज़ अ प्राइम नंबर। तो सेवन एक प्राइम है। अब है एट, एट एक प्राइम नंबर नहीं। अगर आप टू फोर ज़ा एट करेंगे तो आपके पास, टू फोर ज़ा करेंगे तो आपके पास आंसर एट आएगा, इसलिए एट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब हम बात करें नाइन की, तो नाइन में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन आप देखिए नाइन जो है, अगर आप थ्री इंटू थ्री करेंगे तो आपके पास नाइन आंसर आएगा, सो थ्री थ्री ज़ार नाइन, इसलिए नाइन भी एक कंपोजिट नंबर है। नाइन एक कंपोजिट नंबर है, आप फैक्टर्स के तौर पे देखिए, नाइन है उसका फैक्टर क्या है आप देख सकते हैं, उसका फैक्टर वन है, देखिए नाइन का फैक्टर वन है, थ्री है, वन मोर थ्री एंड नाइन, सो दीज आर द फैक्टर ऑफ नाइन। अब टेन जो है, टेन भी एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि टेन कईयों की टेबल में आता है, जैसा कि आप जानते हैं टेन कईयों की टेबल में आता है, टू की, वन की टेबल में, टू की टेबल में, फाइव की टेबल में और टेन की टेबल में, इसलिए टेन इज अ क्या, टेन इज अ कंपोजिट, इट इज नॉट अ प्राइम। तो टेन एक प्राइम नंबर नहीं है, टेन एक कंपोजिट है। सो टेन, टेन इज अ कंपोजिट नंबर, सो टेन इज अ कंपोजिट नंबर। इलेवन, इलेवन जो है वो एक कंपोजिट नंबर नहीं है, वो एक प्राइम नंबर है। आप देख सकते हैं कि क्या जो ये है, ये किसी की टेबल में आता है, इलेवन, देखिए जो इलेवन है, क्या ये इलेवन किसी की टेबल में आता है? नहीं, आप इलेवन के फैक्टर्स ही देख लीजिए, तो इलेवन तो किसी की टेबल में नहीं आता, इसलिए इलेवन है एक प्राइम नंबर। अब जो ट्वेल्व है, जो ये ट्वेल्व है, ट्वेल्व एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो टेबल में आता है, सो ट्वेल्व इज अ कंपोजिट। थर्टीन जो है, थर्टीन जो है, ये जो थर्टीन है, थर्टीन एक प्राइम नंबर है, थर्टीन इज अ प्राइम, थर्टीन कंपोजिट नहीं है, थर्टीन इज अ प्राइम।
फिर 14 आता है, 14 एक कंपोजिट नंबर है, 14 इज अ कंपोजिट नंबर, 14 एक कंपोजिट है, इट इज अ कंपोजिट नंबर। एंड 15 भी एक कंपोजिट नंबर है। इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो 15 है ये बहुत टेबल्स में आता है। देखिए ये 1 की में आता है, फिर ये 3 की में भी आता है, 3 5 7, फिर ये 5 में आता है, 6 में नहीं आता, और फिर हाँ ये 15 है, ये 1 के में आता है और 3 के में आता है, 5 के में आता है, 6 के में नहीं आता, 7 के में नहीं आता, 8 के में नहीं आता, फिर तो सीधा ये किस में आता है, 15 के टेबल में आता है। तो ये जो है ये हमने देखा फैक्टर ऑफ 15। So this is that we have done now, it is a factor of 15। हम इसमें से भी मार्क कर सकते हैं 15 का फैक्टर। देखिए एक तो 1 है, 3 है, 5 है एंड 15 है। सो दीज आर दी फैक्टर ऑफ 15, ये है 15 के फैक्टर। तो 15 एक कंपोजिट नंबर। अब 16 जो है, 16 भी एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो टेबल्स में आता है। 17, अब 17 तो किसी की टेबल में नहीं आता 1 और 17 के अलावा, सो इट इज़ अ प्राइम नंबर। 18 इज अ कंपोजिट नंबर, 18 जो है वो कंपोजिट नंबर है। 19 इज अ प्राइम नंबर, प्लीज़ रिमेंबर दैट 19 इज अ प्राइम नंबर। जो ये 19 है ना बच्चों, ये 19 है एक प्राइम नंबर। फिर 20 इज अ कंपोजिट नंबर, 20 एक कंपोजिट नंबर है। तो फिर आता है 21। अब ये जो 21 है ये भी एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि अगर आप 21 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, सो इट इज अ कंपोजिट। फिर है 22। अब ये 22 जो है क्या वो क्या ये कंपोजिट है या प्राइम है? 22 में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, लेकिन 22 एक कंपोजिट नंबर है। कैसे? देखिए आप पहले तो देख लीजिए इधर 20, आपको डिविजिबिलिटीज याद होनी चाहिए उसके लिए, डिविजिबिलिटीज याद होनी चाहिए। तो अब आप ये कैसे पता लगाएंगे कि इसका फैक्टर आता है इसमें? डिवाइड करके। तो आप देख लीजिए 22 डिवाइडेड बाय, सॉरी आप 22 और नहीं आप ऐसा करिए 11 को इंटू करिए 2 से, 2 ones are 2, 22, एक तो 11 हो गया। फिर आप एक और चीज करिए 22 divided by 2, अगर आप करेंगे तो आपके पास 11 आएगा। अब मैं देखूंगी 22 divided by 3 करके देखूंगी तो I'm just checking। Okay, so it is not divisible by 3। तो 22 11 की टेबल में आता है।
हाँ तो ट्वेंटी टू या हेयर, तो 22 किसकी टेबल में आता है, 11 की टेबल में आता है. इट मीन इट इज अ नॉट 11 इज अ कंपोजिट नंबर, 22 इज अ कंपोजिट नंबर, 22 एक कंपोजिट नंबर है. इट इज अ कंपोजिट नंबर. अब हम बात करेंगे 23. तो क्या 23 कंपोजिट नंबर है? नहीं, 23 कंपोजिट नंबर नहीं है. 23 एक प्राइम है, इट्स अ प्राइम नंबर. 24 इज अ कंपोजिट. 25 इट इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर. 25 एक कंपोजिट नंबर है. अब 25 एक कंपोजिट नंबर कैसे है? क्योंकि जो 25 है वो 5 की टेबल में आता है. इट कम्स इन 5 टेबल, वो 5 की टेबल में आता है. इट मींस 25 इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. अब है 26. अभी जो 26 है, 26 भी एक कंपोजिट है. 27 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है. कैसे आप करके देख सकते हैं. अगर आप 3 9s करेंगे तो आपके पास आंसर 27 आएगा. और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, 3 times 9 कर सकते हैं. 9 plus 9 plus 9 9 plus 9 18. फिर आप 18 plus 9 कर लीजिए, 27. तो आपके पास आंसर 27 ही आना है. इट मीन्स दैट ओके, सो इट मीन्स दैट 27 इज नॉट 27 या 27 इज अ कंपोजिट नंबर. तो 27 एक कंपोजिट नंबर है. तो 27 एक कंपोजिट नंबर है और उसका हमने प्रमाण भी देख लिया है. 28 की अब हम बात करते हैं. तो अब ये जो 28 है क्या ये कंपोजिट है? क्या 27 एक कंपोजिट नंबर है? यस, 27. अब मैं 28 की बात कर रही हूँ. तो हाँ, 28 एक कंपोजिट नंबर है. क्योंकि आप देख सकते हैं 28 कईयों की टेबल में आता है, आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं. सो 28 इज अ कंपोजिट नंबर, यू कैन सी. 29 जो है, 29 देखिए, 29 एक प्राइम नंबर है. 29 इज अ प्राइम नंबर. हाँ, तो ये जो 29 है, 29 इज अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर. सो वी आर जस्ट गोइंग टू सर्कल. अब हम बात करेंगे 30 की. सो ऑफ कोर्स 30 इज अ कंपोजिट नंबर. 31 इज अ प्राइम नंबर. 32, तो 31 एक प्राइम नंबर है, 32 एक कंपोजिट नंबर है. आपको आपको अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं और आप थ्रू फैक्टर्स निकाल के भी इन्हें पता लगा सकते हैं. देखिए कैसे, ये डिविजिबल है या नहीं. अगर आपको 2 से निकालना है तो देखिए डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है.
आपको ये वाला जो है ना, ये वाला नंबर एंड वाला, इसे देखना है. इफ दिस इज इवन इट मींस ये टू से डिविजिबल है, राइट. तो अब आपको थ्री से करना है, तो आप थ्री से करके देख सकते हैं. थ्री प्लस टू कर सकते हैं आप. थ्री प्लस टू फाइव. थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव. इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय थ्री, बिकॉज फाइव थ्री की टेबल में नहीं आता. अब आपको 32 को फोर करना है, फोर से करना है आपको. तो आप क्या करेंगे, देखिए आप ये दोनों डिजिट्स देखेंगे. अब आपको क्या करना है, देखिए आपको इन दोनों डिजिट्स को देखना है. अगर ये दोनों ही डिजिट फोर से फोर की टेबल में आता है, इट मीन्स पूरा नंबर आता है, तो आप देख सकते हैं कि जो 32 है, क्या है, फोर की टेबल में आता है. आता है. 4 9s are 32. कैन सी, सॉरी नॉट 4 9s are 4 8s are 32. इट इज ईजी. अब 32 आपको 5 से करना है, तो आपको 5 से कैसे करेंगे, आपको ये वाली डिजिट देखनी है. अगर ये 30 होता या फिर 35 होता, इट मींस अगर 30 और 35 होते या फिर 35 होता, तो ये नंबर होता डिविजिबल बाय 5. बट जैसे कि इधर 2 है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है. अब ये जो 32 है, अगर हमें 32 को 6 से करना है, तो बहुत ही इजी है 2 का 36 का, तो मतलब 6 का तो डिविजिबिलिटी निकालना. उसमें बस यही होता है कि जो दोनों ही जो नंबर्स होने चाहिए, मतलब जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना डिविजिबल होना चाहिए. अगर 1 से भी नहीं है, इसका मतलब 6 से भी वो नहीं है. अगर वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है, मतलब वो 6 से भी डिविजिबल है. और अगर दोनों से ही नहीं है, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं है. और अगर 1 से भी नहीं है, तो 6 से डिविजिबल नहीं है. और आप देख सकते हैं जैसे कि 32 जो है वो 5 वो 3 से डिविजिबल नहीं है. इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, इट इज़ डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 3. इट मीन्स 32 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 6. 32